खबरों में आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रोबेशन अधिकारी की छेड़खानी का वीडियो इस दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम दफ्तर में अधीनस्थ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी के विरोध के बाद भी प्रोबेशन अधिकारी उससे जोर जबरदस्ती करते भी नजर आ रहे हैं। छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद डीएम सुजीत कुमार ने कार्रवाई के लिए महिला को बाल विकास विभाग प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और साथ ही छेड़छाड़ का मामला विकास भवन स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर का है। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ है कल रात में, और उसमें जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसमें कार्यरत जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा एक उन्हीं की जो सहकर्मी है उसके साथ छेड़छाड़ की चीज उसमें आ रही थी। जो पीड़िता है उसने एक तहरीर पुलिस थाना मंझनपुर पर दिया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जांच की जा रही है, इसमें जो भी सत्यता है उसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से कौशाम्बी से यह मामला सामने आया है कि महिला कर्मचारी के साथ में छेड़छाड़ की गई, अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि ये मामला, ये दूसरी महिला ने छेड़खानी लगाया है। इससे पहले एक विकलांग महिला ने इन पे राजनाथ राम पे आरोप लगाया था और उसने हंगामा भी किया था, और ये पूरा मामला कौशाम्बी जनपद के मुख्यालय का है, ये विकास भवन का है, जहां पर वन स्टाफ सेंटर में संविदा महिला कर्मी द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के खिलाफ मंझनपुर में एक मामला दर्ज कराया गया है। इसी मामले के तहत इनको मुकदमा संख्या 657/22 में 354 धारा में 354 धारा में इनको कल भणेसर रोड से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि छेड़खानी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने और कौशाम्बी डीएम ने इन पर विधिक कार्रवाई की है। और सामने ये भी आ रहा है कि इससे पहले एक विकलांग महिला थी, उन्होंने भी इनके ऊपर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। लेकिन संजय, सवाल यहाँ पर यह उठता है, जब पहले भी एक विकलांग जो महिला थी कर्मचारी उसने भी ये आरोप लगाया था, तो उस दौरान क्या कुछ कार्रवाई नहीं की गई ताकि दूसरा जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं अगर पहले कार्रवाई की होती तो कहीं ना ये वाला जो मामला आया है, वीडियो वायरल हुआ है, ये नहीं आता। जी मैं आपको बता दूं पंकज कि इसमें जो विकलांग महिला ने उसको हटाने का मामला था, क्योंकि वो संविदा कर्मचारी थी और उसको नौकरी से निकाला भी गया था और उसने हंगामा भी किया था, लेकिन आला अधिकारियों ने इसपे कोई संज्ञान नहीं लिया था। उसने आला अधिकारियों से गुहार भी लगाई थी और उसकी कहीं भी सुनी नहीं गई थी। ठीक 3 दिन बाद ये मामला फिर एक संविदा महिला कर्मचारी को उसके साथ छेड़खानी का। बिल्कुल संजय, लेकिन बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है, सवालों के घेरे में तो प्रशासन भी आता है ना। जी सरकार, एक तरफ से योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला उत्पीड़न की बात करती है, 1090 तमाम सारी महिला हेल्पलाइन को जारी कर रखा है, अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि समय से महिलाओं की तुरंत समस्या सुनी जाए और आरोपियों पे कार्रवाई हो। लेकिन ये मामला मुख्यालय का जुड़ा था पंकज, इस पे पहली जो विकलांग महिला थी उसके छेड़खानी भी गई, उसके उसने हंगामा भी किया और ये यहाँ तक बताया जा रहा है तो उससे बदतमीजी भी की गई है, लेकिन किसी भी आला अधिकारी ने मुख्यालय में, विकास भवन में, ये जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कि किसी भी ये संज्ञान में नहीं आया। जस्ट 3 दिन बाद फिर ये मामला हुआ है, तब ये आजम आरोपी जो है आजमगढ़ का रहने वाला है और इसको पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके भड़ेसर रोड कचहरी से गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर सरकारी विभाग में ही इस तरीके के कारनामे सामने आएंगे और समय रहते इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो किस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं? किस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार की तरफ से जो महिलाओं के लिए नंबर जारी किया जाता है, उनका कितना असर बाकी लोगों पर पड़ने वाला है?